लेकिन अगर LLB की बात की जाए तो इसमें कोई भी कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट है ही नहीं। हेलो गाइस, इन दिस वीडियो हम बात करेंगे कि आप विदाउट एंट्रेंस दिए एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो ना इससे पहले कि मैं आपको प्रोसीजर बताऊं कि आप एडमिशन विदाउट एंट्रेंस के कैसे ले सकते हैं, तो इससे पहले BCI के रूल्स को जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो जानते हैं BCI के रूल्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहले BCI ने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को एक प्रपोजल दिया है जिसमें कहा गया है, जिसमें आपको इजी लैंग्वेज में आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा कि उसका एक्चुअल में पर्पस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आपको BLLB में एडमिशन लेना हो तो सबसे पहली चॉइस आपकी होती है NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़। तो उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्लेट नाम से एक एंट्रेंस देना होता है जिसको आप क्लियर करके ही उसमें एडमिशन ले पाओगे। अगर आपको मान लेते हैं किसी भी तरीके से क्लेट एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं कर पाते तो क्या BLLB नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। उससे दूसरा ऑप्शन जो अभी 2022 से पहले आपके पास नहीं था वो है CUET। तो ग्रेजुएशन कोर्स की बात कर रहा हूँ, CUET के ज़रिए आप उनमें एडमिशन ले सकते हो, चाहे वो स्टेट लेवल की हो या फिर नेशनल लेवल की हो या प्राइवेट हो या फिर सहकारी क्यों ना हो। तो उसमें आप CUET के ज़रिए आप एडमिशन ले लेते हैं जो कि 2022 से स्टार्ट हुआ है। 2022 से पहले ये जो प्रावधान था, किसी में मेरिट से एडमिशन लिया जा रहा है तो किसी में कोई और प्रावधान है। अपने अपने स्तर से जो यूनिवर्सिटी वगैरह लेती थी अपने अपने स्तर से। तो अगर आपने 12th इसी वर्ष में पास की है तो फटाफट से CUET के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, करा दो, एडमिशन मिल जाएगा, वरना एक साल आपकी व्यर्थ हो जाएगी। चलिए आते हैं मेन टॉपिक पर। अब बात करते हैं वीडियो के मेन पार्ट की, जिसके लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। देखिए, BLLB करने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है क्लैट या फिर CUET या फिर अदर भी। अभी तक अदर भी है, CUET और क्लैट ये मेन प्रायोरिटी होती है। नेशनल लेवल पे जाना है आपको तो क्लैट दीजिए, स्टेट लेवल या प्राइवेट कॉलेज में वगैरह एडमिशन लेना है तो आप CUET का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अगर LLB की बात की जाए तो इसमें कोई भी कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट है ही नहीं। मतलब ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिसको देने के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन ले सकें। अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने अपने स्तर से अलग अलग करवाती हैं, यहाँ तक कि कोई कोई यूनिवर्सिटी तो विदाउट एंट्रेंस के भी एडमिशन देती है पैसे के बेस पे। अब मैं नाम नहीं लूँगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको देती है क्योंकि ये गलत रहेगा। जब विदाउट एंट्रेंस के वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है तो कहीं कहीं ये भी देखा गया है कई कई यूनिवर्सिटीज़ में कि वहाँ पे प्रॉपर क्लासेस ही नहीं चल रही। तो BCI ने यही सब देखते हुए कि कॉलेज लगातार अधिक से अधिक लॉयर्स को प्रोड्यूस तो कर रहे हैं लेकिन उनमें जो क्वालिटी होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो है क्लास प्रॉपर है ही नहीं, जिससे कि उन्हें काम पाने में दिक्कत हो रही है। और ये जो कोर्स है वो प्रोफेशनल है, लॉ करने के बाद भी लोग अलग अलग प्रोफेशन में जॉब के लिए धक्के खा रहे हैं क्योंकि उनमें जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी उनमें है नहीं। यही सब देखते हुए BCI ने 500 से ज़्यादा ऐसे कॉलेजेस की मान्यता को रद्द कर दिया गया है जिनमें न तो कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ना ही प्रॉपर क्लास चलती है, ना ही एडमिशन का कोई प्रोसेस है। और ये कहा भी है कि जल्द से जल्द ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाएगा जिससे कि आप LLB में एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देके आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे नेशनल लेवल की हो या स्टेट लेवल की हो, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसीलिए अभी भी ये एक्सिस्ट करती हैं कि विदाउट एंट्रेंस के वहाँ पे एडमिशन मिलता है। अब मैं ये नहीं बताऊँगा किस में मिलता है क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि BCI अपने रूल्स को लेके बहुत ही टाइट हो चुका है। तो इसीलिए हो सकता है ये कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट जो LLB के लिए है वो नेक्स्ट सेशन से ही लागू कर दिया जाए। इसीलिए फ़िलहाल आपको मौका है, एक साल को गवाए नहीं, इधर उधर जहाँ पे भी आपको एडमिशन लेना है वहाँ पे जानकारी करो। अब मैं यहाँ पे ये तो नहीं बता सकता कि उस यूनिवर्सिटी में जाओ और वहाँ पे ऐसे ऐसे एडमिशन होता है क्योंकि ये गलत हो जाएगा। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, तो और कोई आपकी क्वेरी हो तो कॉमेंट बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट।